हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो फर्स्ट ईयर सेम टू का रिजल्ट आ गया है बच्चों लोग, तो जो पास हो गया उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी बहुत से सारे बच्चे लोग फेल हो गए, ओके। ज़्यादा करके केटी मैथ्स और अकाउंट्स पे लगा है। अब जिसको 3 KT लग गया ना, अभी उसको मतलब थोड़ा भी उसको KT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों लोग क्या है ना, उन लोगों ने पेपर अच्छे से लिखा है पर उन लोगों को फेल किया गया है, फेल हो गया रहेगा। तो आपको रिवैल्यूएशन का एक फॉर्म आता है, मतलब आप लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिससे अगर अपने को लगता है कि आपने पेपर अच्छे से लिखा है, मैथ्स का अकाउंट्स का पेपर अच्छे से सॉल्व किया और आपको कम मार्क्स मिला है, 40 से कम लिया है, तो रिवैल्यूएशन का फॉर्म आएगा, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और जो बच्चा सातों के सातों में पास हो गया है उसको वाई कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मेहनत किया उसने। और दूसरी बात, अगर अकाउंट्स और मैथ्स में डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है, कैसे पास होना है, मैंने सब वीडियोस अपलोड कर लिया हो, तो अच्छे से सॉल्व कर लो। जो तुम्हारा पेपर है तो अभी सॉल्व कर दूंगा तुम्हारे लिए। अगर तुमको पर्सनली पढ़ना है कि मैं खुद अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़ना चाहता हूँ, चाहे SEM 1 का हो या SEM 2 का हो, तो मेरा नंबर तुमको दे दिया, मालूम है आपको नंबर मेरा, वो नंबर पर मैसेज कर देंगे, मैं तुमको सब चीज़ सेंड कर दूंगा, प्यार से गुरु दक्षिणा दे देना, ठीक है। आप टेंशन लेके नहीं बैठना, ठीक है। और जो मतलब 2-2 KT लेके अलाउ है, 7-1 7-2 2-2 KT लेके आप SY का फॉर्म भर सकते हो। अभी 3 KT लग गए ना, तो फिर तुमको यूनिवर्सिटी रोक देगा, बोलेगा भाई भाई उधर अभी KT क्लियर कर ले। तो अगर लगता है कि तुमने पेपर अच्छे से लिखा तो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। और 80 KT का एग्जाम तुम्हारा हो सकता है कि 2 महीने के बाद हो, तो जब भी होएगा फॉर्म भर लो, ताकि एग्जाम लेके पास हो जाएगा तो SY के लिए तुम लोग जा सकते हो, ओके। और बस इतना ही बोलना, कुछ भी डाउट है कमेंट में बोल देना, मैं डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।